अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं बहुत मेहनत से और ऑनेस्टली आपके लिए वीडियोस बना रही हूं और मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाना चाहती हूं, इसलिए काइंडली लाइक और शेयर भी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो ये है बुक 3, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। इसका यूनिट है 3, माय अर्ली होम। आज हम इसके रिटन वर्ड्स मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और कंपोजिशन करेंगे। इस चैप्टर की उर्दू ट्रांसलेशन और रीडिंग और एक्सरसाइज की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स मीनिंग, बॉक्स, थप्पड़ मारना, घोंसा या मुक्का मारना, हिट, ब्रुक, नाला, नदी, अ स्मॉल स्ट्रीम, कॉल्ड, घोड़े का बच्चा, अ यंग मेल हॉर्स लेस देन 4 ईयर्स ओल्ड, गैलप, सरपट भागना, द फास्टेस्ट पेस ऑफ अ हॉर्स, गिग, तांगा या इसको टम टम भी कहते हैं, अ लाइट टू व्हील्ड कैरेज, लॉजिंग, रिहाइश, क्याम, लिविंग स्पेस, मेटो, अ ग्रास कवर्ड फील्ड, चरागाह या फिर सब्जाजार, प्लॉ, हल चलाना, टू डिग अप एन एरिया टू मेक इट रेडी फॉर प्लांटिंग, रशिस, घास नुमा पौधे, प्लांट्स, वेल ब्रेड, तमीज़दार, अच्छी नस्ल का, हैविंग और शोइंग गुड मैनर्स, बीइंग ऑफ गुड क्वालिटी, विनीट, हनहनाना, घोड़े की आवाज़, घोड़े की हनहनाहट, नेह भी कहते हैं इसको, ये पास्ट टेंस ऑफ विनी है, यानी विनीड इसका पास्ट टेंस है, अ नॉइज हॉर्सेस मेक, हेज, बार, अ टाइप ऑफ फेंस मेड बाय क्लोजली प्लांटेड प्लांट्स, प्लेजेंट, खुशगवार, समथिंग डैट गिव्स प्लेयर, ग्रोव, झुंड, अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ ट्रीज, फर, सरू का दरख्त, अ टाइप ऑफ ट्री, स्टीप, अमूदी ढलवान, राइजिंग और फॉलिंग शार्पली ऑफ अ स्लोप, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, ऑफन, टेम्पर, मिजाज, अ स्टेट ऑफ माइंड, ट्रॉट, हौले हौले भागना, टू रन स्लोली, वेल बॉर्न, आली नसब, फ्रॉम अ नोबल और वेल्दी फैमिली। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, विल यू टेक द हॉर्स, मदर्स एडवाइस, हाउ विल दिस हेल्प यू इन लाइफ। Yes, I will take the horse mother's advice. If I am kind and have good manners, others will also treat me kindly. अब हम करेंगे एक्सरसाइज ए के ये तमाम क्वेश्चंस और इनके आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है ए, what did Black Beauty live on before he could eat grass? He lived on his mother's milk before he could eat grass. अब क्वेश्चन बी है, what happened once Black Beauty was old enough to eat grass? तो आंसर नोट करें, as soon as Black Beauty was old enough to eat grass, his mother began to go out to work in the daytime. अब क्वेश्चन सी है, what advice did Black Beauty's mother give him? Black Beauty's mother advice was to behave in a kind and gentle manner and to never adopt bad ways. क्वेश्चन डी है, what job does the master do? The master is farmer. क्वेश्चन ई है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट ब्लैक ब्यूटीज़ ग्रैंड पेरेंट्स? इसका आंसर है,
Black Beauty's grandfather twice won the cup at the Newmarket races, and his grandmother had a very sweet temper. अब क्वेश्चन एफ है, व्हाट डिड द मास्टर कॉल ब्लैक ब्यूटी एंड व्हाई? द मास्टर कॉल्ड ब्लैक ब्यूटी डार्की बिकॉज ही हैड अ डल ब्लैक कलर. क्वेश्चन जी है, हु इज ओल्ड डैनियल? ओल्ड डैनियल या डैनियल वॉज द मैन हु लुक्ड आफ्टर horses. Question ye hai, these questions are more difficult, discuss them first. Why did the boy throw stones at the horses? The boy was mean or bored and liked to have what he called fun by making the horses gallop. Who was the boy? And what happened to him when he was caught? The boy worked on the farm as a plowboy. When he was caught, the master slapped him and dismissed from his job. Question number 2 है, who might have said the following? ये sentences story में किस किसने कहे थे? Have a good day at work, mum. तो ये ब्लैक ब्यूटी ने कहा था अपनी मदर से. वुड यू लाइक सम ब्रेड? ये किसने पूछा था? द मास्टर. यू आर माई फेवरेट हॉर्स? ये भी द मास्टर. दैट बॉय विल नेवर वर्क हेयर अगेन. इसका आंसर भी है द मास्टर. क्वेश्चन नंबर 3 है, हेयर इज़ अ लाइन फ्रॉम द स्टोरी. थिंक अबाउट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. व्हेन ही हैड ईटन ऑल he wanted, he would have what he called fun with the calls. तो इस लाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. Who are these words about? तो ये वर्ड्स हैं डिक के बारे में. What has he been eating? Blackberries. What is his job? He is a plowboy. What does he do that he calls fun? He throws sticks and stones at the horses to make them gallop. Question ye hai, why is it not fun for the colts? Sometimes the stones hit them and hurt them. Ab hum karenge composition aur ye tamam questions jo hain inke answers, matlab ye wali exercises jo videos hain pehle se channel par unme maujood hain. एक्सरसाइज ये है कॉम्पोजिशन. पिक एन एनिमल डैट यू नो अबाउट. वट डज डैट एनिमल डू? वट डज इट लाइक टू ईट? वेयर डज इट लिव? राइट अ शॉर्ट पैसेज डिस्क्राइबिंग द एनिमल्स लाइफ. और इफ यू कैन राइट एज इफ यू आर द एनिमल यूजिंग आई. तो इसका आंसर नोट करें. कॉम्पोजिशन है ये, मीट लॉकी द हेजॉग. ये मैंने उर्दू में भी वर्ड्स लिखे हैं इनके मीनिंग्स. लॉकी इज़ एन एडॉरेबल 6 month ओल्ड हेजॉग. लॉकी इंजॉयज ईटिंग, एक्सप्लोरिंग एंड स्लीपिंग. ही इज़ ग्रेट फन फॉर हिज पेरेंट्स. ही स्लीप्स all day long and gets up early in the evening. He was very poor eyesight and relies heavily on hearing and smell. He prefers to live in the woods. He does not like cities. In fact, there are very few safe places for hedgehogs. His overall number is therefore declining. He feeds on insects and shrubberries. He is omnivorous, unlike porcupine quills. Hedgehog quills are not barbed and are not poisonous.
many countries do not allow them as pets and instead consider them wild animals. तो my early home के written question answers, words meaning और composition complete हो गए. Next video में unit 4 pothole के written question answers, words meaning और composition note कीजिएगा. Thank you, Allah.